चलिए हम एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलते हैं जिनका नाम है गुरमीत, जो कि चंडीगढ़ से हैं, जिनका डीयू में अभी 10th रैंक आया है। निमसेट में 543 रैंक था जिससे एनआईटी पटना अलॉट हुआ था, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में 5th रैंक आया। तो गुरमीत, सबसे पहले इन तीनों रैंक के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो गुरमीत, देखिए, जब आपका निमसेट का रिजल्ट आया था तो जो आपका एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि 543 रैंक आई, मुझे उम्मीद थी कि आपकी रैंक और अच्छी आ सकती थी, पर थोड़े आप प्रेशर में आ गए, तो उस समय आप बहुत प्रेशर में थे, और फिर आपने एनआईटी पटना ले भी लिया, पर क्योंकि आपने पढ़ाई की थी, और शायद वही रिजल्ट है कि अगर पढ़ाई नहीं की होती तो शायद डीयू में रैंक भी नहीं आती। तो देखो, आपकी डीयू में रैंक भी आई, जो मैंने बोला था आपने बिलीव बनाए रखा। तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि उसको, मतलब निमसेट के साथ अगर कोई सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता तो डीयू माना जाता है, तो डीयू के लिए क्या अलग से किया गया, वो एक चीज बतानी, और अपनी पूरी सक्सेस जर्नी बतानी स्टार्टिंग से, कि पहले तो निमसेट के लिए कब सोचा, फिर कैसे घर पे रह के प्रिपरेशन की, क्या क्या चैलेंजेस आए तुम्हारी लाइफ में, वो सारी चीजें। ठीक है सर। सर मैंने डीयू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की, जो निमसेट के लिए मैंने तैयारी की थी बस उसी के बिहाफ पे मैं एग्जाम देने गया था। और सर निमसेट के लिए भी सर मैंने कोई गाइड फॉलो नहीं की, सर आपकी जो टेस्ट सीरीज की जो नोट्स थे, जो आप मेटीरियल प्रोवाइड करते थे, सर उन्हीं को अच्छे से फॉलो किया बस। एंड सर जर्नी एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई थी 2019 से, मेरे को याद अच्छे से बीएससी का मेरा फाइनल सेमेस्टर था, एंड उसके बाद मेरा था कि इसके बाद अब क्या करना चाहिए, मतलब आई वॉज रियली ब्लैंक कि मेरे को कुछ नहीं पता था। तो फिर वहां पे बस लगा कि हाँ, एक कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो गूगल पे सर्च किया कि इसके आगे फील्ड में अब क्या करना चाहिए। तो वहां से जर्नी एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई थी। बट जो निमसेट 2021 का जो एग्जाम अब क्लियर हुआ मेरा, इसके जो सक्सेस है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा निमसेट 2020 का फेलियर है। मतलब जो इस सक्सेस स्टोरी के पीछे जो आज मैंने जो भी रैंक अचीव की है, इसके पीछे उस एक फेलियर का एक बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली 2020 में ऐसा था कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी पूरे एक साल, 2019 के बाद मैंने पूरा अपने आप को एक सेल्फ प्रिपेयर किया था, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उसमें कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, मुझे 1% भी नहीं लगता था कि शायद नहीं होगा। बट 2020 में ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा, एंड क्योंकि पूरे साल भर हमने घर पर रह कर पढ़ाई की थी, तो उस टाइम पे ऐसा था कि काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो मेरे माइंड में एक्चुअली चल रहा था कि मेरे को सबसे तेज करना है लाइक दैट। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं पेपर में एकदम मेंटली अनस्टेबल हो गया, मेरे को मतलब पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो आफ्टर दैट, मतलब जब वो एग्जाम हो गया, जब सबको समझ में आता वैसे ही बहुत लेट हो गया था, तो आफ्टर दैट जब वो एग्जाम देखा, तब मेरे को लगा कि हाँ यार, ये तो कुछ मतलब बहुत एक रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए, और जो गलती होगी उससे। तो फिर वहां से फिर जब आपका आपसे जब बात हुई, उसके बाद जब मैं कोर्स ज्वाइन किया, तो आपने सिर्फ मुझे एक ही बात बोली थी कि अब अपना दिमाग मत लगाना, जो मैं बताता जाऊंगा बस मेरे को अच्छे से फॉलो करते रहना। तो एग्जैक्टली सर मैंने यही किया, जो भी आपके गाइडेंस होती थी, जैसे आप कुछ कहते थे कि ये क्वेश्चन है कल की क्लास से पहले करके लेके आना, मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया। और इसके अलावा अगर जैसे माइंड में कुछ आता था, ये मैं साथ में ये भी चीज कर लेता हूँ, तो उसके लिए भी पहले जो आपने बताया उसको अच्छे से किया, उसके बाद अगर टाइम बचा तो अपने अकॉर्डिंग किया फिर लाइक दैट ऐसे। तो बेसिकली सिर्फ आपकी गाइडेंस को फॉलो किया मैंने, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही बात बोली गुरमीत। देखिए, आपने 2020 का एग्जाम दिया था, सेल्फ स्टडी भी की थी, और मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छे सेल्फ स्टडी करते हैं, कई अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, पर कई बार सेल्फ स्टडी में हम थोड़ा सा कई बार या तो ज्यादा या कम पढ़ लेते हैं, या वो उतनी टेस्टिंग नहीं हो पाती जो एक्चुअल में होना चाहिए, या किस कंटेंट को कितना पढ़ना है। तो जो आपने आज बात बोली मुझे बिल्कुल याद है, मैंने कहा था जब आप ज्वाइन कर रहे हो रेगुलर कोर्स तो पूरा फॉलो करना, उससे क्या होता है हमारा फोकस क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपने जो बताई, जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, कि गुरमीत ने या बाकी बच्चे जिनकी ड्यू में रैंक आई, उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया, निमसेट की जो प्रिपरेशन थी उसी के बेस पे निकाला। और मैं यही बच्चों को बोलता हूँ, कई लोग डीयू के लिए सर ये पढ़ना, मैं बोलता हूँ जो आपने पढ़ा अगर उसको अच्छे से करके चले जाओ तो कोई डाउट नहीं है कि आपके डीयू में स्कोर नहीं आ सकते। तो गुरमीत, अब आपने क्योंकि एनआईटी पटना छोड़ दिया और अब डीयू में जाने वाले हो आप, और आई थिंक 1 जनवरी से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। 1 दिसंबर से चलो तो बहुत जल्दी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है।
बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं आपको चाहूंगा, आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहोगे अपने स्पेशली जूनियर्स को, क्योंकि आपने ड्रॉप भी लिया था, जूनियर्स को या जो सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है या जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? स्पेशली ड्रॉपर बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, क्या होगा, ड्रॉप लिया है पता नहीं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया होगा इस साल, तो सर जब मेरा जब पेपर बिगड़ा था तो मतलब मैं बहुत मतलब सोचता रहता था इसके बारे में कि मतलब क्या वो एक रीजन था कि मतलब मेरे को आता सब कुछ था बट मैं एग्जाम टाइम में नहीं कर पाया, तो मतलब मैं बार बार इसके ऊपर सोचता रहता था। तो फिर उस टाइम मेरे को पता चला कि यार एग्जाम से जो हम जो 15-20 मिनट होते हैं उससे पहले जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वो ही डिसाइड कर देते हैं कि हमारे 2 घंटे वो कैसे जाने वाले हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, तो मैं एक चीज हमेशा माइंड में रखता था कि जब मैं पेपर दे रहा हूँ कोई इससे कोई भी टेस्ट हो तो उसको इस एक फीलिंग के साथ देता था कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा इस पेपर का, मैं इसको दोबारा री अटेम्प्ट नहीं करने वाला। ठीक है। और एग्जाम में दूसरी चीज ये होती है कि जो हमारे डिसीजन हैं वो हम कैसे ले रहे हैं। अगर पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो वहां पे जैसे मैं किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया, किसी क्वेश्चन को कम दे दिया, पता चलता है कुछ इजी क्वेश्चन मेरे लेफ्ट आउट हो गए, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग मेरी कैसे थी। तो अगर कोई स्टूडेंट अब दोबारा देने जा रहा है पेपर को तो वो सबसे पहले ये चीज एनालाइज करे कि सबसे पहले तो वो पेपर को दे रहा है तो इस एक फीलिंग के साथ दे कि वो उसका एक फर्स्ट और ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसके बाद उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो जो कुछ करना उसी पेपर में करना है। एंड सेकेंड थिंग है कि जब वो एनालाइज कर रहा है तो साथ में ये भी देखे कि अपने कितने डिसीजन उसके उस पेपर में सही गए और कितने गलत गए, क्योंकि जो भी टेस्ट आएगा उन सबसे वो सब चैलेंजेस हैं एक तरीके से कि पेपर में अगर ये कंडीशन आई तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर वो उन चैलेंजेस के लिए अपना को पहले से प्रिपेयर कर लेगा तो वो उसको एग्जाम टाइम में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में जैसे 2021 का एग्जाम हुआ, इस पेपर में मेरे साथ मैं मेंटली प्रेशर में नहीं मेरा खराब हुआ था, ये मेरा कुछ डिसीजन थे जैसे जो मेरे गलत हो गए थे एग्जाम में। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर इन सब चीजों को अगर बात ध्यान में रखता है और पूरे साल भर इसकी प्रैक्टिस करता है तो उसको एंड रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा। एंड एक चीज और है, जैसे कि अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो पूरी इस जर्नी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम टॉपिक्स भूल रहे हैं। तो मैं क्या करता था कि एक ब्लैंक पेपर लेता था, उसके ऊपर मेरे को कोई भी टॉपिक रिवाइज करना होता था मैं उसकी पूरी थ्योरी लिख देता था, तो मेरे को पता होता था कि अब जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा क्योंकि कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं आता। क्वेश्चंस इनफिनाइट हैं लेकिन किन कंसेप्ट कर लूंगा तो मैं उसके ऊपर बनने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक बिलीव था मेरे ऊपर कि मैं सिर्फ कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग करके रखता था अपने, और रिवीजन में मतलब हर थोड़े दिन बाद ये करता रहता था किसी टॉपिक का, मतलब इसके लिए मैं कोई बुक नहीं खोलता था, मतलब कोई नोट्स नहीं खोलता था, सिर्फ एक पेपर लेता था उस पर लिखना स्टार्ट कर देता था। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस। अच्छा, आप डीयू के लिए, कुछ बच्चे जैसे डीयू के लिए फोकस करते हैं, आपकी डीयू के लिए क्या एडवाइस होगी, मतलब पढ़ाई को लेके? क्योंकि कई बार जब मैं गाइड करता हूँ मैं बोलता हूँ पहले फोकस इस बात पे करो जो आता है, तो आप अपना खुद का एक्सपीरियंस बताओ डीयू को लेके। सर डीयू के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एमसेट की अगर तैयारी अच्छे से की है तो डीयू के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और वैसे मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडियाज था क्वेश्चन का, बीएससी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को पता था थोड़ा बहुत, पर फिर भी वो नॉलेज जितने काम की नहीं थी, बट जितने एमसेट की तैयारी की थी उसी के बेस पे निकाल दिया मैंने पूरा। चलो, ये बहुत ही अच्छी बात है गुरमीत, आपसे बात करके और आपके मैसेज से बहुत अच्छा मतलब बच्चे समझ पाएंगे कि क्या करना है, और जिनका टारगेट निमसेट के साथ डीयू है वो भी कंफ्यूज होना कम हो जाएंगे। यस सर। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर।